हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी अपना फेसबुक का प्रोफाइल जो है वो लॉक करना चाहते हैं और आप वो सेटिंग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए बट आपको वो सेटिंग नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप अपना फेसबुक का प्रोफाइल कैसे लॉक कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल लॉक होने के बाद कैसा दिखेगा वो कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के वीडियोज लेके आते रहते हैं। और साथ ही इस बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप ये देख लीजिए कि मेरा जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो अभी लॉक नहीं है, और अभी कोई भी आएगा तो मेरा जितना भी फ्रेंड लिस्ट है और कुछ भी है वो देख सकता है, चाहे वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो या फिर मेरे फ्रेंड लिस्ट में ना हो। फेसबुक में अपना प्रोफाइल लॉक करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना होगा। थ्री डॉट्स में जाएंगे तो नीचे आपको एक यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन को ओपन करना है, और इसके अंदर आपको एक और सेटिंग्स मिलेगा तो आपको इसको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है प्रोफाइल लॉकिंग, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ही एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल लॉकिंग का। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन मिल जाएगा लॉक योर प्रोफाइल का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपका जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपको सेम एक कन्फर्मेशन भी मिल जाएगा कि आपका प्रोफाइल जो है वो लॉक हो चुका है। दोस्तों, ये तो बात होगी कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे लॉक कर सकते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना प्रोफाइल जो है उसको लॉक होने के बाद कैसा दिखेगा वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से वहीं पे सेटिंग्स को ओपन करना होगा और फिर से यहाँ पे आपको प्रोफाइल लॉकिंग को सर्च करना होगा। आप इसको ओपन करेंगे तो इस बार आपको जो इंटरफेस दिखेगा वो कुछ और इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सी योर प्रोफाइल, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों मेरा प्रोफाइल लॉक होने के बाद अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में कोई नहीं होगा और मेरे प्रोफाइल पे आएगा सर्च करके तो मेरा प्रोफाइल कुछ उसको ऐसा दिखेगा, जो मेरा फ्रेंड लिस्ट है वो सब कुछ नहीं दिखेगा, बस उसको ये सिंपल सा थोड़ा सा डिटेल्स दिखेगा। तो यहाँ से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है और बाकी कोई भी डिटेल्स नहीं देख सकता। और उसके बाद अगर कोई मेरा प्रोफाइल पिक्चर भी ओपन करना चाहेगा तो प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं ओपन होगा। तो ये तो बात हो गई कि मेरा प्रोफाइल लॉक होने के बाद कैसा दिखेगा और वहाँ पे क्या क्या व्यू होगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो प्रोफाइल है उसको वापस से अनलॉक करें, तो अनलॉक करने के लिए आपको फिर से उसी वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनलॉक का, आपको सिंपली इस अनलॉक वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अनलॉक योर प्रोफाइल का, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोफाइल है वो अब अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि योर प्रोफाइल इज अनलॉक्ड, अब आपका जो प्रोफाइल है वो सिंपली कोई भी देख सकता है, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो या फिर ना हो। तो होप करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि आप इसको कैसे लॉक कर सकते हैं, कैसे अनलॉक कर सकते हैं और आपका जो लॉक व्यू है वो कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस मजेदार ट्रिक के बारे में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।